हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मैच, आज का डे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन स्टम्प तक पाकिस्तान का स्कोर 68/7। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर 116/2 से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह से 14 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर पर 116 रन से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पहली पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह उसे 14 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में मार्स रॉबिन्सन 60, मिचेल मार्स ने 54 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए आमिर जमान ने 6 विकेट अपने नाम किए। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक 7 विकेट 65 रन बनाए लिए। मोहम्मद रिजवान 6 रन और आमिर जमान ने 0 पर नवा दिए। पाकिस्तान के पास 82 रन की बढ़त है। पाकिस्तान की शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही। अपना अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता नहीं खोल पाए। शफीक पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद बल्लेबाज के लिए शान मसूद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए, जो सैजल वुड की के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने उसके कैच लिया। बाबर की अशतकीय सहदारी, 2 विकेट गिर जाने के बाद सेम अबयू और बाबर आजम ने 3 विकेट के लिए 56 रन की सरदारी की। ऐसा लग रहा था कि दोनों बड़ी पारी खेल जाएंगे, लेकिन अथर लियोन ने सरदारी को तोड़ दिया। उन्होंने सेम अव्यू को LBW कर दिया। उन्होंने 53 गेंदों पर 33 रन बनाए। अव्यू के तुरंत बाद बाबर आजम भी पवेलियन लौट गए। आजम ने 23 रन बनाए। 24 हेड गेंद पर लेग्स कैरी ने उसका कैच लिया। सऊद शकील ने 2 रन, साजिद खान 0 और आकाश शर्मा ने 0 को जो सैजल का अपना शिकार बनाया। मतलब उसे न लगाया शतक। हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मैच, आज का डे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन स्टम्प तक पाकिस्तान का स्कोर 68/7। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर 116/2 से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह से 14 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर पर 116 रन से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पहली पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह उसे 14 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में मार्स रॉबिन्सन 60, मिचेल मार्स ने 54 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए आमिर जमान ने 6 विकेट अपने नाम किए। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक 7 विकेट 65 रन बनाए लिए। मोहम्मद रिजवान 6 रन और आमिर जमान ने 0 पर नवा दिए। पाकिस्तान के पास 82 रन की बढ़त है। पाकिस्तान की शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही। अपना अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता नहीं खोल पाए। शफीक पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद बल्लेबाज के लिए शान मसूद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए, जो सैजल वुड की के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने उसके कैच लिया। बाबर की अशतकीय सहदारी, 2 विकेट गिर जाने के बाद सेम अबयू और बाबर आजम ने 3 विकेट के लिए 56 रन की सरदारी की। ऐसा लग रहा था कि दोनों बड़ी पारी खेल जाएंगे, लेकिन अथर लियोन ने सरदारी को तोड़ दिया। उन्होंने सेम अव्यू को LBW कर दिया। उन्होंने 53 गेंदों पर 33 रन बनाए। अव्यू के तुरंत बाद बाबर आजम भी पवेलियन लौट गए। आजम ने 23 रन बनाए। 24 हेड गेंद पर लेग्स कैरी ने उसका कैच लिया। सऊद शकील ने 2 रन, साजिद खान 0 और आकाश शर्मा ने 0 को जो सैजल का अपना शिकार बनाया। मतलब उसे न लगाया शतक। हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मैच, आज का डे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन स्टम्प तक पाकिस्तान का स्कोर 68/7। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में
अपने दूसरे दिन के स्कोर 116 से 2 से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह से 14 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। कंगारू टीम तीसरे दिन पहली पारी में जो अपने दूसरे दिन के स्कोर पर 116 रन से आगे खेलने उतरी। उसकी पूरी टीम शुक्रवार को पहली पारी में 299 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे, इस तरह उसे 14 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में मार्स ने 260, मिचेल मार्स ने 54 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए आमिर जमान ने 6 विकेट अपने नाम किए। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक 7 विकेट 65 रन बनाए लिए। मोहम्मद रिजवान 6 रन और अमीन जम्मा ने 0 पर नवाजे। पाकिस्तान के पास 82 रन की बढ़त है। पाकिस्तान की शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही। अपना अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता नहीं खोल पाए। शफीक पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद बल्लेबाज के लिए शान मसूद दूसरे